अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उसमें हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को पढ़ा है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े हैं। अब हमने होमोजीनियस सिस्टम को किस तरह सॉल्व करें वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसके लिए एक मैंने थ्योरम बताया था कि एक तो ट्रिवल सोल्यूशन होता है, एक नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होता है। ट्रिवल सोल्यूशन के लिए तो ऐसा कोई मसला नहीं है, यानी ऑलवेज एग्जिस्ट करता है अगर आप वेरिएबल्स को इक्वल टू जीरो रख दें। और नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, जो हमारा इंटरेस्ट है वो नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन में था। और नॉन ट्रिवल सॉल्यूशंस के लिए हमने पढ़ा था कि रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, या इन अदर फॉर्म उसने कहा था कि आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो अगर सिंगुलर है तो उसका नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फर्दर आज हम एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर वट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसको लैम्डा कहते हैं, द इक्वेशंस, या आपको एक सिस्टम लीनियर सिस्टम दिया हुआ है। कौन सा सिस्टम है, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम दिया है। कहता है हैव नॉन ट्रिवल सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशंस हो, या सॉल्यूशंस क्यों कह रहा है, मैंने आपको बताया था अगर नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन होगा तो ऑलवेज इनफाइनाइट होगा। फाइंड दीज सॉल्यूशंस, तो वो कहता है फिर ये लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम है इसका नॉन ट्रिवल सॉल्यूशंस है, और अगर है तो फिर वो कहता है कि वो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले वही बात है, आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेना है, उसको ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें, इट्स अप टू यू, कोई भी नाम देना है आपने। तो अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं तो एक्स वन के कोफिशिएंट क्या है, 5 माइनस लैम्डा 4 2, 5 माइनस लैम्डा 4 2, एक्स टू के कोफिशिएंट है 4 5 माइनस लैम्डा 2, एंड एक्स थ्री के कोफिशिएंट, आपने इसको लिख लिया, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने गिवन सिस्टम को, क्योंकि आपने रैंक चेक करना है, रैंक चेक करने के लिए आपने गिवन सिस्टम को एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपने सबसे पहले आपका जो पिवट एलिमेंट है उसको वन बनाना होता है। तो लेट्स सी जी, वो कहते हैं वी रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू एचिलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए अब वो क्या कर रहा है, वो दो रोज इंटरचेंज कर रहा है। रीजन क्या है, इसको वन बनाना अब टफ है, वो क्या कहता है, वो R12 कर दें या R13 कर दें। इधर वो R13 कर रहे हैं, R13 करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट से चेंज हो जाएगी, तो थर्ड रो आ जाएगी 2 2 2 माइनस लैम्डा 4 5 माइनस लैम्डा 2, एज इट इज रहेगी। जो रो या जो ऑपरेशन लगाने हैं सिर्फ उस उन रोज ने चेंज होना है, यानी इधर R1 और 3 चेंज होगा, 2 एज इट इज रहेगी, भी आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पिवट एलिमेंट को वन बनाना है। इसको वन किस तरह बनाएंगे, 1/2 R1 कर देंगे। अब आप 1/2 R1 करते हैं, ये आपका ऑपरेट उसने लगाया, तो ये आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा बाई 2। क्लियर हो गया बेटा, बाकी एज इट इज रहेंगे। अब आपने करना क्या, अब आपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। अपर ट्रायंगुलर से क्या हमारा था कि पिवट एलिमेंट के, ये पिवट एलिमेंट है, इसको पहले वन बना लें। ये बाज बच्चों का क्वेश्चन था कि ये कंपलसरी है कि इसको वन बनाना, कंपलसरी नहीं है लेकिन आसान है। अगर आप देखें, अभी मैं ऊपर आता हूँ, आप इसको वन नहीं बनाते, इसकी हेल्प से इसको जीरो करना है तो वो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 की हेल्प से 4 को 0 करना, या 2 की हेल्प से 5 माइनस लैम्डा को 0 करना, तो आप भी टफ है, कर सकते हैं, यानी मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो वन बनाने से बड़ा ईजी हो जाएगा कि वन की यूज़ करते हुए आप इन दोनों को ईजीली ज़ीरो कर सकते हैं। तो इसको R2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको ज़ीरो करना है, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस 4 R1 लिखेंगे आप। जब R2 माइनस 4 R1 आप लिखते हैं तो 4 माइनस 4 0 5 माइनस लैम्डा माइनस 4, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस लैम्डा डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा। डायरेक्ट करने की अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो गलत करने से बेहतर है कि आप उसको रफ करके फिर लिखें। फिर 2 माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 और -2 लैम्डा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप माइनस कर रहे हैं तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये -4 प्लस 4 हो जाएगा, तो +2 लैम्डा हो जाएगा। इसी तरह इसको ज़ीरो करना है, किसको यूज़ करते हुए, पिवट एलिमेंट को यूज़ करते हुए। तो 5 माइनस लैम्डा में क्या किया जाए, तो आप 5 माइनस लैम्डा में माइनस कर देंगे 5 माइनस लैम्डा, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो R3 माइनस 5 माइनस लैम्डा टाइम्स R1, आप R1 को 5 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो उसने उसको सिंप्लीफाई किया, जब सिंप्लीफाई करता है तो ये ज़ीरो आ जाता है, इधर लैम्डा -1 आ जाता है,
इधर लैम्डा माइनस वन क्यों आ गया, क्योंकि आपने 5 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये जस्ट कैलकुलेशंस है, नहीं आती हैं तो इसको रफ वर्क नहीं आप करें बेटा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब आपका ये पिवट एलिमेंट वन था, इसके नीचे आपने 2 0 बना लिया। अब आपका सेकेंड रो का पिवट एलिमेंट, सेकेंड रो का पिवट एलिमेंट 1 माइनस लैम्डा है, अब आपने इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है बेटा। तो जस्ट ये इधर से 2 कॉमन ले रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ उसे कहने के एक जैसा कॉमन करने के लिए, आसान करने के लिए। इट्स अप टू यू, आप -2 उसने कॉमन ले लिया, जब -2 कॉमन लिया तो 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा आ गया। अब 1 माइनस लैम्डा वो कॉमन ले लेगा तो वो आपके पास 1 आ जाएगा, यानी इस तरह भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब आप बेसिकली आपका जो टारगेट था वो 1 माइनस लैम्डा को आपने 1 करना है। 1 माइनस लैम्डा को जब आप 1 करते हैं, यानी 1 माइनस लैम्डा से आप डिवाइड करेंगे, इन अदर वर्ड्स आपका जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था वो था कि किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर से। तो हमने 1 ओवर 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि जो 1 माइनस लैम्डा है वो शुड नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो गया ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इधर हम ये लगाएंगे कि एज्यूमिंग 1 माइनस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, और ये जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उधर आपने 1 या कोई इस मैट्रिक्स को, इस इक्वेशन को कोई नाम दे देना है। तो आप इसको 1 कह दें, 2 कह दें, इट्स अप टू यू। अभी हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ तो हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया है। तो 1 माइनस लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, इस पिवट एलिमेंट को यूज़ करते हुए इसके नीचे 0 करना है। तो वेरी इजी है, अब आप R3 ये माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, +1 माइनस लैम्डा कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो R3 +1 माइनस लैम्डा R2 करेंगे ये आपका 0 आ जाएगा। वो एट ए टाइम 2 ऑपरेशन कर रहा है, उसने क्या किया है वो रिड्यूस्ड एचिलॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसने नीचे भी 0 कर दिया और उसने इसी को यूज़ करते हुए ऊपर को भी 0 कर दिया। तो आप एक स्टेप पे ना करें बल्कि इसको 2 स्टेप में करते हैं। तो अब ये उसने बेसिकली रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बना दी, तो फर्स्ट पिवट एलिमेंट नीचे ऊपर 0, सेकंड पिवट एलिमेंट उसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0, अब थर्ड पिवट एलिमेंट आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपकी एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बन चुकी हुई है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एचिलॉन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की को देखना, तो कैसे पता लगेगा कि पिवट एलिमेंट से पहले इधर कोई 0 नहीं है, इसमें 1 0 है, इधर 2 0 है, कि नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या इक्वल हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि इधर 0 होता है इधर ना हो, या इधर 2 0 हो जाए इधर 1 0 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अब आपकी मतलूबा वो जो आप चाह रहे थे वो आ गए फॉर्म। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी उसने क्या नॉन ट्रिवल सोल्यूशन फाइंड आउट करें। फॉर नॉन ट्रिवल सोल्यूशन आपके पास क्या था, रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आपके पास, 3 है, इट मीन्स रैंक ऑफ ए 2 होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स कि आपकी अगर ये रो 0 होगी तब भी रैंक ऑफ ए 2 होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम इसको इक्विवेलेंट टू 0 लेंगे, क्यों लेंगे, यानी तब ही, या अदर वर्ड्स आपने उधर पढ़ा था कि इसका होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर कोफिशेंट मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो। तो ये सिंगुलर कब हो जाएगा, जब ये वाली चीज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी। पूरी रो किसी भी मैट्रिक्स की 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमने ऊपर कहा हुआ है कि ये तो नॉन ज़ीरो है। देखें इधर 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हमें नहीं पता, उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 3 कंडीशंस होती हैं, या ये नंबर 0 के इक्वल है यानी 0 इंटू समथिंग 0 होता है, या समथिंग इंटू 0 0 हो जाएगा, या ये चीज़ 0 है या ये 0 है, या बोथ 0 है। तो पहले हमने कंसिडर किया हुआ है कि ये 0 नहीं है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये 0 के इक्वल है। जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 10 आ जाएगी। जब लैम्डा की वैल्यू 10 आएगी इसमें पुट करते हैं, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरी की पूरी रो 0 हो जाएगी। इसमें पुट करेंगे 6 माइनस 10 -4/2, तो x1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और x2 -2 आ जाएगा। तो ये आपका x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू 10 के लिए, शायद इसने आगे किया हुआ है, ये किया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 10 के लिए उसने किया हुआ है। x3 a ले रहा है, x3 जी, x1 0 x2, और ये आपका -2 x3 आ गया ना, इसी तरह ये x2 -2 x3, तो x3 को कोई वैल्यू दे दें, उसके बाद आप x1 और x2 की वैल्यू निकाल दें।
इसमें आपके पास जो है X1 और X2 फिक्स्ड एलिमेंट हैं, फिक्स्ड हैं, जो फ्री वेरिएबल है वो आपका X3 है। तो लैम्डा 10 के लिए उसने ये आपको सॉल्व कर दिया है, उसने कह दिया से X3 इज इक्वल टू ए। मैंने आपको कल भी यानी लास्ट लेक्चर में बताया था, इट्स अप टू यू, जो मर्जी वैल्यू आप जो मर्जी आप वो रख सकते हैं। उसने ए कह दिया, आप टी कह दें, एस कह दें, एफ कह दें, जो मर्जी कह दें। ए उसने कह दिया X3 इज इक्वल टू ए आ गया, X1 कह देगा -2a, X2 -2a, यानी -2 -2a। वेरी सिंपल है। और अगर अभी हमने ये कोरेस्पॉन्ड किसके आया है, ये जो सोल्यूशन आया है ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, -2a की जो दिल में आता है वैल्यू पुट करते जाए आपके पास सोल्यूशन आता जाएगा। ये जो सोल्यूशन है ये किसके लिए अंगेंस्ट है, लैम्डा इज इक्वल टू 10 के अंगेंस्ट है। अब अगर हम लेते हैं सपोज, हमने उधर सपोज कहा था कि ये जीरो नहीं है, अगर हम इसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो वो जो हमने जिधर सपोज किया था, इधर सपोज किया था ना, तो ये जब लैम्डा इक्वल इस चीज़ को इक्वल टू जीरो करेंगे तो बेसिकली हम ये स्टेप नहीं कर सकते, हम इधर आ जाएंगे वापस। तो जब 1 - λ इक्वल टू जीरो करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करें, 1 - 1 0, 1 - 1 0 0 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो दो रो 0 हो गई। इसका मतलब सिर्फ फिक्स्ड वेरिएबल X1 है, बाकी ये दोनों वेरिएबल फ्री वेरिएबल है X2 और X3। तो X1 किसके इक्वल आ जाएगा, -X2 प्लस 2 - λ/2 X3 आ जाएगा। तो ये इसने होपफुली आगे किया होगा, ये यानी ये आपके पास बच जाएगा। इसको उसने कहाँ सॉल्व किया, नीचे सॉल्व किया हुआ, X1 इज इक्वल टू प्लस X2 प्लस X3/2। अब आपकी अपनी मर्जी है, X2 X3 को जो मर्जी वैल्यू दें, ए दें, बी दें, सी दें, और उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आप कोई भी वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन पे हम आते हैं, उसकी एग्जांपल है, कहता है 3 species ऑफ बैक्टीरिया को एग्जिस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। स्पीशीज से क्या मतलब है, बेसिकली ऐसा एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स कह लें, प्लांट्स कह लें, ऐसा ग्रुप होता है जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं या उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स, सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो वो कहता है 3 species ऑफ बैक्टीरिया को एग्जिस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड फीड ऑन 3 foods। एक टेस्ट ट्यूब में वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो उन्हें फीड 3 foods डिफरेंट टाइप्स के दिए जा रहे हैं, एक को F1 कह दिया, एक को F2, food 1, food 2, food 3 कह दिया। सपोज डेट अ बैक्टेरियम ऑफ द IS स्पीशीज कंज्यूम ऑन द एवरेज एन अमाउंट AIJ ऑफ द JS फूड पर डे। और कहता है कि कोई भी IS स्पीशीज का बैक्टेरिया वो ऑन एन एवरेज ये JS फूड की ये अमाउंट कंज्यूम करता है। उसने आगे उसकी वैल्यू दे दी, A111 है, A121 है, तो उसने डाटा आपको दे दिया है। अब कहते हैं फर्दर सपोज डेट देयर आर 15,000, 30,000 एंड 45,000 यूनिट्स ऑफ फूड ऑफ टाइप्स F1, F2, F3 रिस्पेक्टिवली। वो जो फूड्स हैं उसके यूनिट्स उसने बता दिए हैं, 15,000 है, 30,000, 45,000। वो किलोज भी हो सकते हैं, टन भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्या है, ग्राम्स भी हो सकते हैं। वो कहते हैं एज्यूमिंग डेट ऑल फूड इज कंज्यूम, वो कहते हैं जितना भी फूड था वो हम एज्यूम करते हैं कि वो कंज्यूम हो गया, यूज़ हो गया। वट आर द पॉपुलेशन ऑफ द 3 species डेट कैन को एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। तो आपने बताना है कि कितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करेगी। तो हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे जनरेट होती है, तो वही हमने आपको ट्राई करनी है उसको जनरेट करने की। वो कहते हैं लेट द पॉपुलेशन ऑफ 3 species ऑफ बैक्टीरिया बी X1, X2, X3। वो जो 3 species हैं उनको हमने X1, X2, X3 कह दिया। Since the highest species consumes AIJ unit of food of type J, we have. तो आपने जस्ट इसको कन्वर्ट कर दें अगर मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये 1, 1, 1 आ जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा, 1, 3, 5 आ जाएगा। इधर आपके पास X1, X2, X3 आ जाएगी, इज इक्वल टू ये जो फोर से 15,000, 30,000, 45,000। जब आप इसको लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे या इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली लीनियर सिस्टम बन जाएगा। अब आपका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, आपने ये पता करने के X1, X2, X3 क्या थी, नंबर ऑफ स्पीशीज थी, स्पीशीज थी जिसको आपने फाइंड आउट करना है, यानी हमने X1, X2, X3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको इधर से पता लग जाएगा कि ये लीनियर सिस्टम है, आपको X1, X2, X3 की वैल्यू चाहिए, आप इसको एचिलॉन रिड्यूस्ड एचिलॉन में कन्वर्ट करें, इट्स अप टू यू, इसको सॉल्व करना है। आप ग्रामर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स इन्वर्शन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसको सोल्यूशन चाहिए, उसने ये नहीं बताया कि किस मेथड से आपने करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं।
लेट्स सी, वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा है, उसके बाद इसको एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन में कन्वर्ट करेगा। ये सारा काम आपको आता है, आप खुद करें, इसको ना देखें, आप इधर वीडियो को पॉज कर दें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो तो जब आप सॉल्व करेंगे, करते जाएंगे, ये आ गए तो इधर रैंक ऑफ ए बेसिकली ये पूरी की पूरी रो ज़ीरो आ गई है, तो आपका रैंक ऑफ ए टू आ गया और रैंक ऑफ ए बी भी टू आ गया, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीन है। वट डज इट मीन? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, इट मीन सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, बट कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इधर एक्स थ्री आपका, अगर आप देखें, एक्स वन भी है, एक्स टू भी है, एक्स थ्री आपका फ्री वेरिएबल है, तो एक्स थ्री को आप कोई आर्बिट्री नाम दे सकते हैं, तो उसने एक्स थ्री को ए कह दिया। तो एक्स वन माइनस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो था, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स थ्री आ जाएगा, एक्स थ्री को आपने ए कह दें, जो मर्जी कह दें, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ए आ गया। अब इधर से अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा एक्स टू इज इक्वल टू 15,000 माइनस टू एक्स थ्री, एक्स थ्री को ए कहा हुआ, तो 15,000 माइनस टू ही आ जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं, इधर थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, वो कहते हैं कि सिंस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर पॉजिटिव, हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव है, हम इसको नेगेटिव में भी, जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, मैं कहता हूँ जो दिल में आता है वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन इधर हम वो कहते हैं कि आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यूज नेगेटिव नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो बैक्टीरियाज हैं, स्पीशीज हैं, जानदार चीज़ है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते, हमने उसको पॉजिटिव देना है। तो अब वो पॉजिटिव रखने के लिए वो कहते हैं इसके ऊपर वो कंडीशन लगा रहा है, 15,000 माइनस टू एक्स थ्री शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसको जब वो सिंप्लीफाई करता है तो एक्स थ्री की जो वैल्यू है वो जीरो और 7500 के दरमियान है। आपने जो भी वैल्यू देनी है वो इसके दरमियान पुट करनी है, इससे ना छोटी हो सकती है ना इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो अब वो इसको सॉल्व करता है, कहता है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी सी डैट, अब वो ये भी बता रहा है कि हम अगर हम इसको इक्वेशंस में लिखते हैं, इधर लिखा था इसने ये, तो ये तीनों स्पीशीज को ऐड करते हैं तो 15,000 आता है, यानी टोटल स्पीशीज जो है वो 15। अब वो इधर से कैलकुलेट करेगा कि उसमें नंबर ऑफ एक्स वन कितने होंगे, एक्स टू कितने होंगे, एक्स थ्री कितने होंगे। तो हमें ये पता है कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू 15,000 है। अगर आपने एक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स थ्री को वो कहते हैं 3,000 ले लें, यानी 3,000 देखें आपकी मर्जी है, इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आपने 3,000 ले लिया, वो जीरो से बड़ा है, 7500 से छोटा है, तो ये एक्स थ्री आपका 3,000 आ गया। तो एक्स वन क्योंकि एक्स थ्री के इक्वल था, तो एक्स वन भी 3,000 आ जाएगा। तो एक्स टू किसके इक्वल होगा? 15,000 माइनस टू टाइम्स एक्स थ्री, एक्स थ्री थ्री था 6,000, 15 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 9,000। क्लियर हो गया? ये एक आंसर है, इतना बेशुमार आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। आगे नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स है, ये मैं अभी आपसे इसके इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, यानी नेक्स्ट एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें ये चीज़ शेयर करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम।